बोलिए नहीं अभी तक तो नहीं है कीगल वो नहीं आई ओए रोहन देख यार बहुत टाइम हो गया मैं चलता हूँ अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना ऑल द बेस्ट बाय गौरव आए यार आज प्रीति कॉलेज नहीं आई यार तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई एग्जाम देने नहीं आई आ जाएगी वैसे भी आजकल हम लोग को कॉलेज में कुछ काम धंधा तो है नहीं बस टाइम पास करते रहते हैं कोई खास बात नहीं नहीं कोई खास बात नहीं बस यही पूछा दरअसल बात यह है कि तू डर रहा है ये जानने के लिए कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था नहीं यार वो अच्छा हाँ बस वही पूछ रहा तो अगर वो कॉलेज में नहीं है तो घर में होगी उसे घर पे फोन कर दो नहीं यार फोन करके नहीं पूछना था यार यही तो प्रॉब्लम है तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो उसी से पूछना नहीं चाहते और जिसे पूछ रहे हो उसे कुछ पता ही नहीं हाँ मैं क्या करूं प्रीति को फोन करके कहूं कि कल पार्टी में क्या हुआ था प्रीति को तो पता ही नहीं कि मैं पार्टी के बारे में जानता हूं खैर इस बात पे हम बाद में बहस करेंगे प्रीति तो कॉलेज आई नहीं मैं देखता हूँ गोविंद शायद आया आज चेक और ले रहा हूँ ओके फिर दो तीन दिन से मिले भी नहीं आज तो प्रीति भी सुबह से नहीं दिख रही प्रीति तो सो रही होगी कल रात बहुत देर कल रात क्या हुआ तो कुछ नहीं था प्रीति घर आई थी मम्मी डैडी से क्या फैसला हुआ क्या फैसला होगा इतनी जल्दी अभी तो सारा प्रोसीजर चलेगा सारा प्रोसेस शादी की बात चल रही है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पहले रिटन एग्जामिनेशन फिर इंटरव्यू फिर सारा प्रोसेस यही तो प्रॉब्लम है यार हमारे घर में कुछ भी सीधे तरीके से नहीं होता एक लंबी कॉन्फ्रेंस की तरह चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है तो तुम्हारा घर है या कॉन्फ्रेंस हॉल पता नहीं यार चल कैंटीन में चलते हैं आएगी Let's go. Excuse me. Yes. जी मैं गोविंद. तू? Oh, sorry. प्रीति कहाँ है? वही सवाल तो मैं आपसे पूछने आया हूँ. वैसे मुझे मालूम है वो कहाँ है. तुम्हें अचानक देखा इसलिए पूछ बैठी. Please sit. दरअसल अभी-अभी मेरी उससे लंबी चौड़ी बात हुई फोन कल रात वो जब तुम्हारे घर से लौटी तब उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई किसने किसे क्या कहा ये मैं जानना नहीं चाहती मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे फैमिली का कल्चर और उसकी फैमिली का कल्चर बहुत अलग है तुम्हें थोड़ा सा सेंसिटिव रहना चाहिए उसने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा कहना चाहिए था एनीवे लड़की है ना लड़कियां कुछ कहती नहीं तो अब तुम भी कुछ मत कहो मैंने उसे काफी लंबा लेक्चर दिया वो तुमसे कुछ नहीं कहे तुम्हारे मम्मी डैडी उसके पापा से मिलना चाहते हैं ना तो तुम मिठाई विठाई लेके उन्हें जाके इनवाइट क्यों नहीं करते सब ठीक हो जाएगा आइडिया तो अच्छा है मेरे आइडियाज हमेशा अच्छे होते हैं तो फिर आप उन्हें खुद पर क्यों नहीं आजमाते Now you're talking too much. मैं अभी उसे फोन करके बता दूँ कल ही तुम उसके पास आने वाली हुआ था ना हाँ
सारी बातें यहीं पे होंगी कि अंदर भी बुलाओगे? This is for you. बैठो, मैं पापा को बुलाती हूँ। बैठो ना। पापा, गोविंद आ गया। अब एहसास हो रहा है। ऐसा मत कहिए, वरना वापस नहीं जा पाऊँगा। लेकिन एक बात कहूं तुम यकीनन समझ जाओ, इंसान की सारी पढ़ाई सारी समझ एक तरफ रह जाती है। इंसान सिर्फ एक बाप रह जाता है जब बेटी की बात आती है। इस वक्त मुझ पे जो एक प्रोफेसर है और उस गांव के अनपढ़ बाप में कोई फर्क नहीं, दोनों का दुख समान है। नहीं, ऐसा मत करो, वरना वो गोविंद समझेगा कि मैंने तुम्हारी पिटाई की। आओ से मिलते हैं। बैठो भाई, खड़े क्यों हो? ये घर है, कोई क्लासरूम नहीं। वैसे तो आजकल क्लासरूम में भी कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूं। हाँ बना लो भाई, तुम चाय पीकर जरूर जाना अगर दिल ना भी करे तो, क्योंकि ये भी एक ट्रेडिशन है, जब लड़की की शादी की बात होती है तो वो शर्मा कर चाय बनाने चले जाते हैं। कहो बेटा। सर मेरे मम्मी डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। जरूर मिल लेंगे, यही ले आओ। जी आना तो यहीं चाहते थे, मगर परसों रात को एक पार्टी दे रहे हैं वो होटल सिटीजन इंडिया में, अगर वहीं पर मुलाकात हो जाती तो। मुझे कोई एतराज नहीं, वहीं मिल जाएंगे। लेकिन पार्टी में कोई बात वगैरह हो पाएगी? बात वगैरह क्या करना सर, बस मिलना है आपसे। ठीक है तो फिर मेरी फोटो ले जाओ, दिखा देना। मजाक कर रहा हूं, वहीं पार्टी पर मिल लेंगे। क्या नाम बताया जगह? होटल सिटीजन इंडिया। I agree, sir. There's many a slip between the cup and the lip. और यही बात सर मैं प्रिया को समझाता रहता हूँ, लेकिन समझती नहीं। अब देखिए ना, अगले महीने हम हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पर सर कुछ भी हो सकता है। बट क्या हो सकता है? अगर आप अगले महीने नहीं गए तो उसके अगले महीने चले जाओगे। प्रिया को छुट्टियों से मतलब है, चाहे कभी भी जाओ। भाई राजकुमार जी, वो आपके समझ ही नहीं आया अभी तक। जरूर टैक्सी नहीं मिली होगी। अगर आज तुमने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा। तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है भैया, जो अपने बसे बसाए बिजनेस को छोड़कर उस प्रोफेसर की लड़की के लिए दीवाने हो रहे हो। तुम तो मॉडर्न ख्यालों की हो। How can you talk like this? मैं सिर्फ उन ख्यालों की लड़की हूँ भैया, जिन ख्यालों से पैसे बनते हैं। भैया अभी भी वक्त है, मम्मी ने जो लड़की बताई है वो वाकई बहुत बड़े घराने की है। तुम अपनी लाइफ संभाल लो, ये काफी है। मेरी लाइफ मेरे हाथ में छोड़ दो। बस इसी से चिढ़ती हूँ मैं तुम्हारी। लो आ गए प्रोफेसर साहब, इस पूरी पार्टी को एक क्लासरूम बना देंगे। जस्ट बिलीव यू साहब। सर लोग आते हैं। I'm sorry, वो जरा टैक्सी मिलने में देर। फिर भी मैंने अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए सोचा कि पार्टी है कोई क्लासरूम के नहीं, जहाँ वक्त की पाबंदी है। वक्त की पाबंदी हर जगह जरूरी होती है प्रोफेसर साहब, वरना वक्त कहाँ निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। पाबंदी के बारे में मैं आपसे पूरी तरह से, लेकिन जहाँ तक वक्त के निकल जाने का सवाल है, अगर ये एग्जाम्पल आपने वक्त की ताकत दिखाने के लिए दिया है तो मैं नहीं। वक्त की ताकत क्या हो सकती है? बेजान चीज है, उसका अपना वजूद ही नहीं। वो तो एक कॉन्सेप्ट है जो सारी चीजों को एक मापदंड देने के लिए इजाद किया गया है। नहीं कहा था मैंने कि आते ही लेक्चर देना शुरू कर देंगे? आइए सर, मैं आपको सबसे मिला दूं। दिस इज माय सिस्टर प्रिया, मॉम, डैड। और आप हैं प्रोफेसर साहब, राइट? पूछिए मैंने कैसे जाना? आपने आते ही लेक्चर जो देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं किसी क्लासरूम में बैठे लेक्चर अटेंड कर रही हूं। अच्छी बात है ना भाई, कॉलेज में तो आपने कभी लेक्चर अटेंड किया नहीं। फिर तो मुझे वो सब हरकतें करनी पड़ेंगी जो मैं कॉलेज में किया करती थी, और इन प्रोफेसर साहब को अच्छा नहीं लगेगा। कॉलेज में तो मैं प्रोफेसर की टांग पीटा करती थी। सर आप देख क्या रहे हैं?
सर डांटिए ना, आप इंसल्ट करेंगे। ये क्या इंसल्ट करेंगे, ये अपनी इज्जत कर ले इतना ही काफी। क्या बात की है सर, प्लेजर सर, अंडम मतलब इनका होने वाला पति सर ये मेरे फादर हैं राम रस्तोगी, माय मदर मीरा रस्तोगी। अब इस जमाने में राम और मीरा की जोड़ी मिल गई प्रोफेसर साहब, इस पर भी एक लेक्चर हो जाए। आइए प्रोफेसर साहब, क्या पियेंगे आप? कुछ भी। आप पानी के साथ या सोडा के साथ? बस ठंडा, जस्ट कोल्ड ड्रिंक। आप पीते नहीं? ये अभी शुरू नहीं की तो आज शुरू कर लीजिए, वैसे भी काफी कुछ है जो आज शुरू हो रहा है। हाँ वो सब तो अच्छी बात है। तो शराब कौन सी पूरी भाई, आजकल तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं एक दो पैक। आजकल क्यों, दवा दारू का रिश्ता तो बहुत पुराना है। मुझे एतराज नहीं पर तो माफी कीजिएगा। आप क्यों फोर्स कर रहे हैं, उन्हें आदत ही नहीं है ऐसे माहौल की। देखिए आगे आपका सॉफ्ट ड्रिंक। प्रीति बेटी कोल्ड ड्रिंक लेना। अरे ये है प्रीति बिटिया, प्रोफेसर साहब की बेटी और गोविंद की होने वाली बीवी। हाँ बाय द वे, आप काम क्या करते हैं? जी मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। वो तो एक फ्रंट है ना, आप बिजनेस क्या करते हैं? देखिए घबराइए मत, यहाँ पे इनकम टैक्स से कोई नहीं है। जी मैं समझा नहीं। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर को जानता हूँ, जो एडिशनल कोचिंग क्लासेस ट्यूशन वगैरह, एज अ मैटर ऑफ दिल्ली में एक स्कूल भी है फुली एयर कंडीशन, उसमें जो बच्चे आते हैं वो भी एयर कंडीशन बसेस में आते हैं। तो अच्छा खासा से नाम था, क्या है वो, गोइंग का पब्लिक हाई स्कूल। नहीं इन सब चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तो बस प्रोफेसर हूँ, सिर्फ प्रोफेसर। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। इसमें अफसोस की क्या बात है मम्मी, अपनी अपनी चॉइस है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई गरीब रहना चाहता है। गांधी जी डिसाइडेड टू रिमेन पुअर, वो गरीब रहे। हाँ मगर विचारों से बहुत अमीर थे वो। आई एग्री सर। पर विचारों से प्रॉपर्टीज नहीं बनती प्रोफेसर साहब। बनती हैं। आप लोगों के पास शायद दो चार बंगले होंगे, गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के मालिक। ब्रावो सर, ब्रावो, वेरी गुड सर, ये बात आपने कमाल की। बस उन्होंने साहब हम यही चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके घर से, ये विचार ही लेकर। और बाकी क्या लाना है वो तो हम दे ही देंगे लाने के लिए। जी मैं समझा नहीं। बातें कर लेंगे बाद में, खाना लग चुका है। क्यों क्या प्रॉब्लम है, यहाँ सब अपने ही तो हैं, कोई बेगाना तो नहीं। फिर भी काफी वक्त है। वक्त कहाँ है, मैं तो सोच रही हूँ कि प्रिया को घर से भेजने से पहले हमें अपनी बहू घर लानी। नहीं नहीं आप लोग घबराएं नहीं, जो कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस बात को छिपा कर करना पड़े वो बात करनी नहीं चाहिए। ये बात भी आपकी कमाल की है सर, मेरा तो दिल करता है कि मैं ससुर भी बदल जाऊं। अब क्यों प्रिया तुम्हारा क्या ख्याल? बहुत स्टूपिड ख्याल है, बात बस इतनी सी है प्रोफेसर साहब की शादी हमारे घर के रीति रिवाजों से होगी, उसमें शादी की सब शान और शौकत होती है, दहेज होता है। Which is a total waste. पर क्या किया जा सकता है, आफ्टर ऑल सोसाइटी है। जी हाँ सोसाइटी है, इसी में जीना है, इसलिए हम भी जो जो हो सकेगा वो सब करें। आपके करने से कुछ नहीं होगा, हम ही करेंगे, बस आपके नाम से। जी किस तरह? जी हम दहेज वगैरह सब कुछ बनवा देंगे, जब वो आएगी बस घर से लेती हुई आएगी। तो लेती क्यों आएगी, आप बनवा रहे हैं आप अपने घर में रखिएगा, वो जब आएगी जो आप कहेंगे वो पहन लेगी, या जो वो चाहेगी पहन लेगी। तो क्या वो घर से खाली हाथ आएगी, लोग क्या कहेंगे? क्यों खाली हाथ क्यों आएगी, मेहंदी होगी हाथों में, हमारे घर के सारे संस्कारों से भरे होंगे दोनों हाथ मेरी बेटी के, खाली कैसे होंगे? नहीं नहीं मैं उन खाली हाथों की बात नहीं कर रही, मैं तो गहनों कपड़ों और डायमंड्स की बात कर रही हूँ। शादी के एक दिन पहले वो सब कुछ आपके घर पहुँच जाएगा और शादी के दिन आप दे दीजिएगा। रिसेप्शन के खर्च के चेक आप ही कटवाइएगा, बस आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए जाएंगे और कुछ कैश भिजवा दिया जाएगा आपके घर, जो आप दूल्हे पर लुटवा दीजिएगा जब बारात आपके पास पहुंचेगी।
बाकी स्कॉच की बॉटल्स वगैरह वो हम डायरेक्टली भिजवा देंगे, वो अपने बूट लेगर्स के थ्रू। यू डोंट वरी। एक मिनट, एक मिनट, आप जरा ज्यादा तेज चल रहे हैं, कुछ मेरी भी बात सुनिए प्लीज। लेकिन ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। एक तो यहाँ पर इस अंदाज में कोई भी मुझे प्रोफेसर साहब कहकर नहीं बुलाएगा, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं भी आप लोगों को व्यापारी, दुकानदार या बिजनेसमैन कहकर नहीं बुला रहा हूँ। मेरा नाम आरपी पुनीता है, आप मुझे पुनीता साहब कहकर बुला सकते हैं। कॉलेज में बहुत से लोग हैं जो मुझे इज्जत के साथ प्रोफेसर कहते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी अपने साथ कोई दहेज लेकर नहीं आई, ना मैं कोई चेक साइन करूंगा। इसलिए आप कोई भी पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मत डालिए। तीसरी बात, मेरी बेटी की शादी में शराब ना मैं खुद पीऊंगा ना किसी को पीने दूंगा। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, इसे किसी भी किस्म के नशे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये सब बातें मेरी फाइनल है, इसके बाद मुझे कोई डिस्कशन या बहस नहीं करनी। Am I clear? चलो बेटी, शायद इन लोगों को अपने कुछ फैसले बदलने होंगे। सर खाना तैयार है सर। अब मैं जिस घर में मेरी बेटी के जाने की संभावना भी हो, वहां नहीं खाना। नहीं, इसकी बात, इसका पेट तो मेरी बात सुन सकता है। जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा पर्सनल मामला था। उन लोगों ने कुछ बातें कही, कुछ कंडीशंस रखी और मैंने इनकार कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी वजह से गोविंद के साथ शादी ना करो। यू कैन गो अहेड। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुझे इसका रंज भी नहीं है। बस मैं उन लोगों से जल्दी इतनी जल्दी नहीं, आराम से सोचकर फैसला करना। गोविंद के साथ शादी करने का फैसला तुमने दिल से किया था, नहीं करने का फैसला दिमाग से कर, क्योंकि तुम्हारा दिल कहेगा कि तुम अपने पापा का साथ दो, लेकिन दिमाग उसे समझा देगा।